तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है और नियमों में क्या कुछ बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि एनटीए द्वारा कराए गए नीट 2024 परीक्षा के परिणाम के बाद काफी विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि रिजल्ट में 1563 छात्र ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसके बाद नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर हुई धांधली जैसे मुद्दों ने जोर पकड़ लिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो 23 जून को नीट यूजी का दोबारा से एग्जाम कराया गया, जिसमें से 1563 छात्रों में से केवल 813 छात्रों ने ही री एग्जाम दिया। इसके साथ ही नीट यूजी 2024 में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है। अब जो छात्र दोबारा से परीक्षा देकर पास हो चुके हैं, उन्हें काउंसलिंग का इंतजार है। नीट एमसीसी काउंसलिंग 2024 जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर आ चुकी है, जिसे 4 राउंड में आयोजित किया जाएगा। वहीं गड़बड़ी करते पाए जाने पर किसी भी छात्र या छात्रा की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए सीट अलॉटमेंट के नियम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर काउंसलिंग के बीच किसी कैंडिडेट को बाहर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव करके सीट अलॉटमेंट किया जा सकता है। सीट अलॉटमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि गड़बड़ी का मामला कब सामने आता है। पहले और दूसरे राउंड में स्टूडेंट को अपने हिसाब से सीट बदलने का मौका मिलता है। जिन स्टूडेंट को पहले से ही सीट मिल चुकी है, वो अगले राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि नीट यूजी काउंसलिंग 2024 में शामिल होने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसमें एडमिट कार्ड, परीक्षा का स्कोर कार्ड, कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासपोर्ट साइज के कुछ फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, फोटो आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और यदि लागू हो तो आप जाति प्रमाण पत्र भी अपने साथ रख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा साल में एक बार नीट यूजी आयोजित की जाती है। 4 जून को 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए नीट रिजल्ट 2024 की घोषणा की। सामान्य श्रेणी के लिए नीट कट ऑफ 720 से 164 है। एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के लिए ये कट ऑफ 163 से 129 है। वहीं सामान्य दिव्यांग श्रेणी के लिए ये कट ऑफ 163 से 146 है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा डी.कॉम।